हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जियोलॉजी का थर्ड टॉपिक जो कि है डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अगर हम बात करें जियोलॉजी की, तो उसमें यूनिट वन में हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा है। सेकेंड हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है एंड थर्ड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। ओके, लेट मी क्लियर दिस कि इफ यू आर इन बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, ओके, तो आपके बॉटनी की सिलेबसेज में हम लोगों ने यूनिट वन कंप्लीट कर दिया है। यूनिट फोर और फाइव जो कि आपका एथनोबॉटनी है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। यूनिट सेकंड की भी क्लासेज आपकी चल रही हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो एक बार जरूर चैनल को विजिट करिएगा और थोड़ा सा टाइम टेबल वगैरह देख लीजिएगा, बच्चों से पूछ लीजिएगा, तो आप भी रेगुलर क्लासेस कर पाए और नंबर अच्छे अच्छे ला पाए। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हलवा क्लियर किया जाता है। ओके, व्हाट इज डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम? अगेन, अगर हम बात करें डीएनए की, तो आप सभी जानते हैं कि डीएनए हमारा न्यूक्लिक एसिड है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी में भी हमने आपको पढ़ाया था डीएनए के बारे में कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये कैरेक्टरिस्टिक कैरी करता है और पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, अगर वो रिजेंबल हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो हमारे डीएनए की वजह से होता है। ठीक है, ओके। मॉडिफाइंग एंजाइम, एंजाइम्स आर न्यूमरस, यू नो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लेकिन एक ही एंजाइम ना बहुत तरीके के काम करता है, थोड़ा थोड़ा अपने अंदर मॉडिफाई ला करके, थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा वर्क या थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फंक्शन करके वो अपने आप को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए वो एंजाइम जो कि हमेशा से तो नॉर्मल रहते हैं, बट जब उनकी काम जब उनको काम पड़ता है, जब उनका काम आता है, तो वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, वैसे एंजाइम्स को हम लोग मॉडिफाइंग एंजाइम कहते हैं। और क्योंकि हम आरडीटी पढ़ रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो भी एंजाइम होंगे वो डीएनए या फिर आरएनए से रिलेटेड होंगे। ठीक है, देखिए, एंजाइम्स यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फॉल्स इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। अब एंजाइम्स हमने बताया बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन अगर हम आरडीटी की बात करें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उसमें कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज है जिसमें हमारे एंजाइम्स आते हैं। पहला है टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आपको पता होगा कि एक जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हो तो आपने ऐसा डबल हेलिक स्ट्रक्चर देखा होगा, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो कुछ ऐसा भी आप देखते हो। ठीक है, इसमें एक कोडिंग होता है, एक नॉन कोडिंग होता है, जिसे हम लोग टेम्पलेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट पे जो भी हमारा डीएनए पॉलीमरेज, जो टेम्पलेट वाला पार्ट होगा डीएनए का, उस पर जो एंजाइम वर्क करेगा, हम उसे टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहेंगे। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास न्यूक्लियेज, जो कि हमारे आरएनए एंड डीएनए दोनों के लिए ही यूजफुल होंगे। थर्ड है हमारा इन मॉडिफिकेशन एंजाइम, मतलब शुरू अगर हमने यहाँ से किया है और ख़त्म अगर हमें यहाँ करना है, तो यहाँ पर कौन से एंजाइम का काम आएगा वो चीज़ हम देखेंगे। एंड लाइगेजेज हमारे जो होते हैं, दे आर लाइक द मॉलिक्यूलर बाइंडर, जो कि जोड़ते हैं दो स्ट्रैंड के डीएनए को, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर की बॉन्ड बना के, तो हम उसे लाइगेशन की प्रोसेस कहते हैं। जो एंजाइम यूज हो रहा होता है उसे हम लाइगेज कहते हैं। ठीक है, बहुत ईजी था। देखिए, पहला अगर हम बात करें टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्या होते हैं ये पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दैट सिंथेसाइज न्यू पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू एन एग्जिस्टिंग डीएनए और आरएनए टेम्पलेट। मतलब हमारे पास पहले से डीएनए या फिर आरएनए का टेम्पलेट है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसके जैसे होता है ना विपरीत, या ऐसे कॉम्प्लीमेंट करना, एक के सामने अगर कोई दूसरा इंसान खड़ा है तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, मेरे सामने अगर आप खड़े हो, ठीक है, जैसे मेरे सामने आप अभी वीडियो देख रहे हो, तो आप मेरे कॉम्प्लीमेंट हुए। ठीक है, तो जो हमारा टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ये न्यू पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाता है हमारे एग्जिस्टिंग जो पहले से डीएनए है उसके सामने, एक अपनी चेन बना देता है, तो जो बनाता है उसे हम लोग पॉलीमरेज, जो कि है हमारा टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहलाता है। ठीक है, इसमें तीन तरीके के एंजाइम्स होते हैं, लाइक डीएनए पॉलीमरेज वन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पलेट डीएनए, ठीक है, टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है एंजाइम, इसको हम लोग कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, बिकॉज कॉर्नबर्ग ने ही इसे खोजा था। ये क्या करता है, एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटीज शो कराता है। वॉट इज एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटीज? देखिए, अगर हम न्यूक्लिएज की बात करें तो यहाँ एक्सोन्यूक्लिएज होते हैं, इसकी बात करें तो देखिए कुछ होते हैं एक्सोन्यूक्लिएज एंड कुछ होते हैं इंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, तो जो न्यूक्लिएज
एक्टिविटी करेंगे एक्सो न्यूक्लियस की, उसे हम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी कहेंगे, और जो इंडो न्यूक्लियस की करेंगे उन्हें हम इंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, देखिए एक्सो न्यूक्लियस में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास है डीएनए और आरएनए, ठीक है, लेट अस्यूम दिस इज योर डीएनए, ओके। तो अगर हमारा जो ठीक है, ये रहा हमारा डीएनए, सेकेंड मार्कर लेने गए थे। देखिए अगर जो हमारा न्यूक्लियस है, जो एंजाइम है, अगर आप ए एस ई लगा हुआ देखते हो किसी भी टर्म के आगे, तो वो बॉटनी में या जुअलॉजी में एंजाइम सिंबल करता है। लाइक आरएनए के अगर आपने आरएनए के अगर एज देख लिया आगे, दैट मीन्स कि आरएनए को खाने वाला, आरएनए को डिस्ट्रॉय करने वाला, बर्बाद करने वाला, डिग्रेड करने वाला एंजाइम है ये। वैसे ही अगर आपने डीएनए देख लिया तो ये डीएनए को बर्बाद करने वाला, खाने वाला या फिर डिस्ट्रॉय करने वाला ये एंजाइम बन जाएगा। वैसे ही अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो आपको पता होगा कि हमारे जब हम बॉटनी जूलॉजी पढ़ते हैं तो न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, हमने आरएनए और डीएनए पढ़ा है। तो यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे तो ये डीएनए को भी डिग्रेड करेगा, प्लस ये आरएनए को भी डिग्रेड करेगा, क्योंकि हम न्यूक्लियस हम साइमल्टेनियसली एक साथ कंबाइंड जो न्यूक्लिक एसिड है उसके एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं, और न्यूक्लिक एसिड में हमने डीएनए एंड आरएनए पढ़ा हुआ है। तो ये जो न्यूक्लियस एंजाइम होंगे वो डीएनए को भी डिग्रेड करेंगे, प्लस उसी के साथ आरएनए को भी डिग्रेड करेंगे। ठीक है, देखिए जो न्यूक्लियस इज ना न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है, मान लीजिए ये आपका स्टैंड है, ये हमने आपको बना करके बताया, इसके बीच में, ठीक है, अगर इसके बीच में से आ करके कट कर दिया या फिर डिग्रेड कर दिया बीच में, ठीक है, विद इन या फिर सेंटर में अगर कट किया या फिर डिग्रेड किया, बर्बाद किया, ठीक है, इस डबल हेलिक्स के स्ट्रक्चर में बीच में आकर के खराब कर दिया, तो उसे हम मतलब खराब क्या कर देना, मतलब न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दिया, तो उसे हम इंडो न्यूक्लियस बोलेंगे। जैसे हमने आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी पढ़ाया था कि जब भी आप एक्सो की बात सुनो तो वो होता है एग्जिट। तो एक्सो में क्या होता है ना कि जब भी हम डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखेंगे या आरएनए देखेंगे तो उसके किनारे वाले पार्ट, ठीक है, यहाँ से फ्रॉम द एंड ऑफ द, देखिए फ्रॉम द एंड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए एंड आरएनए है, उसके एंड से स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक जो न्यूक्लियोटाइड है उनको हटाना। एम आई क्लियर? देखिए न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड दे बोथ आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में आप सुगर देखते हो, फॉस्फेट देखते हो ना, नाइट्रोजिनस बेसिस देखते हो, ठीक है। जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो हमें पता होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड में सुगर होना चाहिए, फॉस्फेट होना चाहिए एंड नाइट्रोजिनस बेसिस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब इन तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो वी हैव डीएनए एंड आरएनए जिसे हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड में अगर कोई भी एंजाइम, ठीक है, कोई भी एंजाइम सेंटर में आकर के न्यूक्लियोटाइड को हटाना स्टार्ट कर दे तो हम उसे इंडो न्यूक्लियस बोलेंगे। लेकिन अगर वही जो हमारा एंजाइम है वो न्यूक्लियोटाइड को किनारे से फ्रॉम द एंड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या आरएनए के एंड से स्टार्ट करे हटाना तो हम उसे एक्सो न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। लाइक यहीं पर आप देखिए ये कैसा शो करता है, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब कि हमारा जो डीएनए है उसका कोई भाई 3-5 एंड 5-3 होगा तो उसके एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी है ना, मतलब कि फ्रॉम द एंड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड हटाना शुरू का मतलब यहाँ से आपके न्यूक्लिक एसिड को हटाना न्यूक्लिक एसिड को हटाना ये शुरू कर देगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोटाइड को, सॉरी न्यूक्लिक एसिड नहीं, न्यूक्लियोटाइड को हटाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, आपने पढ़ा होगा सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि डीएनए से हमारा आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उल्टा हो जाता है, आरएनए से भी डीएनए बन जाता है। तो आरएनए से जब डीएनए बनता है तो हम उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और वहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है वो हमारा आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज होता है। ये क्या करता है ना, डीएनए बनाता है आरएनए से, जैसा कि हमने बताया कि जेके सेंट्रल डोगमा, ओके लेट मी टेक समथिंग टू इरेज इट, ओके देखिए ये रहा हमारा सेंट्रल डोगमा की अगर हम बात करें, ओके हमारे पास ना हम सोच रहे थे सब कुछ लिख लिख के अच्छे से पढ़ाना, बट आप लोग के टाइम कंज्यूमिंग के चक्कर में हम सब कुछ लिख देते हैं और फिर जो भी थोड़ी बहुत जगह बची होती है उसी में आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। देखिए सेंट्रल डोगमा की बात करें तो हमने पढ़ा कि डीएनए से आरएनए बनता है,
एंड आरएनए से प्रोटीन बनता है हमारे बायोलॉजी के सभी ह्यूमन बींग में, लेकिन एक एक्सेप्शन भी होता है जहां आरएनए से डीएनए बन जाता है। और ये वाला जो प्रोसेस है ये हमारे वायरसेस में देखा जाता है। कहां देखा जाता है? वायरसेस में देखा जाता है। तो यहां पर जो एंजाइम यूज़ आता है उसे हम बोलते हैं आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज, जो कि हमारे आरएनए से डीएनए बनाने का काम करते हैं। और इसको डिस्कवर्ड किया था हॉवर्ड टैमिन ने। किसने किया था? हॉवर्ड टैमिन ने। ओके, एम आई क्लियर? ओके, देखिए टैक डीएनए पॉलीमरेज क्या है। व्हाट इज टैक डीएनए पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज डिराइव्ड फ्रॉम अ थर्मोस्टेबल बैक्टीरियम। एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरियम मतलब कि बहुत हीट में भी अपने आप को स्टेबल रखने वाला बैक्टीरिया जो है, जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, तो जो थर्मस एक्वेटिकस से ये हमारा एंजाइम मिला हुआ है जिसको हम लोग टैक डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, ये क्या है? एक डीएनए पॉलीमरेज है जो हमें एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया से मिला हुआ है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, इट हैव ओनली एक्सोन्यूक्लियेसिस एक्टिविटी। जैसे हमने आपको बताया कि एंजाइम्स आर न्यूमरस और सभी के पास देखो कई होते हैं जो एक्सोन्यूक्लियेसिस एक्टिविटी इंडोन्यूक्लियेसिस दोनों ही शो करेंगे, बट कुछ होते हैं जो इंडो ही करें या फिर एक्सो ही करें। तो वैसे ही जो हमारा टैग है वो केवल एक्सोन्यूक्लियेसिस एक्टिविटी शो करेगा। एक्सो मतलब क्या कि फ्रॉम द एंड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड ये हमारा न्यूक्लियोटाइड हटाना काम करेगा। ठीक है, और इसमें प्रूफ रीडिंग की जो प्रूफ रीडिंग होती है बाद में पढ़ाएंगे आपको, तो प्रूफ रीडिंग की जो एक्टिविटी होती है वो इसमें लैक होती है, नहीं पाई जाती है। ओके, नाउ वी विल गोना मूव आवर सेकंड टॉपिक। इन सेकंड टॉपिक ठीक है जो है न्यूक्लियेसिस, वी आर डन विद दिस टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसमें हम लोगों ने तीन पढ़ा, डीएनए पॉलीमरेज वन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड टैक डीएनए पॉलीमरेज। ओके, द सेकंड वन इज न्यूक्लियेसिस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियेसिस। व्हाट इज न्यूक्लियेसिस? आपको हमने बताया कि जब एक डीएनए को डिग्रेड करने वाला एंजाइम आएगा, मतलब उसको खत्म करने वाला या खराब करने वाला या उसमें से न्यूक्लियोटाइड हटाने वाला अगर एंजाइम होगा, तो हम उसके डीएनए के आगे एएसई जोड़ देंगे तो वो डीएनए हो जाएगा। सेम अगर आरएनए के आगे जोड़ दे तो वो आरएनए हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम दोनों की बात करें साइमल्टेनियसली कंबाइंड एक बात करें तो हम न्यूक्लियेसिस की बात करते हैं। न्यूक्लियेसिस क्या होते हैं? ये एक एंजाइम होते हैं जो डिग्रेड करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या? डीएनए और आरएनए, उनको डिग्रेड करते हैं बाय ब्रेकिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो आपको पता होगा कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक बॉन्ड होती है जिसका नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, क्या दो न्यूक्लिक एसिड, मान लीजिए ये रहा आपका फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड एंड दिस वन इज योर सेकेंड न्यूक्लिक एसिड, लाइक डीएनए फर्स्ट है ये सेकेंड डीएनए है, अगर इसको जोड़ना है तो हमारे पास जो एंजाइम है, जो बॉन्ड है सॉरी, वो है फॉस्फोडाइस्टर की बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है? फॉस्फोडाइस्टर की बॉन्ड है, ये इसको ब्रेक कर देता है, जो हमारा न्यूक्लियेसिस होता है वो ब्रेक कर देता है। ओके, क्या कर देता है? तोड़ देता है। और जब हम इसे तोड़ देंगे, ठीक है, जब हम इसे तोड़ देंगे तो क्या ये डिग्रेड नहीं हो गया? क्या ये खराब नहीं हो गया? क्या ये अपनी पहली अवस्था से चेंज नहीं हो गया? तो इसी को हम डिग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर न्यूक्लियेसिस के बारे में आपको बताया ही कि दो तरीके के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेसिस एंड इंडोन्यूक्लियेसिस। एक्सोन्यूक्लियेसिस में हम फ्रॉम द एंड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड हम हटाते हैं, और इंडोन्यूक्लियेसिस की बात करें तो वो विद इन या फिर सेंटर में हटाते हैं न्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, इसमें कुछ आपके एंजाइम्स हैं लाइक मूंग बीन न्यूक्लियेसिस, जो कि हमें कहाँ से मिला है? मूंग बीन के स्प्राउट से। मूंग आपने सुना है, मूंग दाल सुना है आपने, तो उसका स्प्राउट बनाया गया है। स्प्राउट आप समझते हो जिसमें रूट थोड़ी थोड़ी आने लगती है, रात भर आप भिगो के रख दो अगर चने वगैरह को, तो आप देखते हो कि उसमें रूट आने लगती है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। ठीक है, बहुत लोग उसको डाइट में लेते हैं, तो वहाँ से हमें जो न्यूक्लियेसिस मिला है, प्यूरीफाई हुआ है, वो मूंग बीन न्यूक्लियेसिस कहलाता है। ये क्या करता है कि जितने भी सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनको डाइजेस्ट कर लेता है, और जो भी इनकी एक्टिविटी होती है उसमें जो कैटलिस्ट की तरह काम आता है वो हमारा Zn2+ आता है, जैसे जिसको हम लोग जिंक बोलते हैं। ठीक है, फिर S1 न्यूक्लियेसिस क्या है? ये हम प्यूरीफाई करते हैं Aspergillus oryzae से। किससे? Aspergillus oryzae से हम इसको प्यूरीफाई करते हैं। ये डिग्रेड करता है आरएनए को, मतलब कि आरएनए को ये नुकसान पहुंचाएगा या फिर आरएनए से जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनको हटाएगा। ठीक है, फिर आरएनए एच क्या होता है? ये आरएनए स्ट्रैंड को डाइजेस्ट कर लेता है, खा जाता है एट अ आरएनए डीएनए हेट्रो ड्यूप्लेक्स। देखो ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो जा रहा है, बट हाँ आपके टॉपिक में है तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा, बट हाँ इतना हम बताएंगे कि आप बैठ करके आप ये मत पढ़ने लगना कि व्हाट इज
RNA DNA हेट्रोड्यूप्लेक्स और जितने भी आपको कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स लग रहे हैं, डोंट गो इन टू डीप, ठीक है, क्योंकि इतना बस रट लो बहुत है। हम तो आज यही बोलेंगे कि इसको रट लेना, क्योंकि इसमें आपको कुछ समझने के लिए आपके पास उतना नहीं है। क्या समझोगे उसमें, सब तो आपको याद ही करना है कि कौन सा कहाँ एंजाइम यूज आ रहा है, किसको क्या नाम से बोलते, ये सब रटना पड़ेगा, ठीक है। फिर RNA की बात करें तो ये RNA को अगेन भाई RNA सामने जुड़ा हुआ है तो हम RNA की ही बात करेंगे। तो ये RNA को 3' एंड पे पायरिमिडीन के ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में तो हमने आपको पूरा का पूरा एक वीडियो ही दिया हुआ है, तो आपको हमने बताया था मॉलिकुलर सीजर, समझ में आया था कि नहीं, समझ में आया होगा ना, बहुत अच्छे से समझाया था आपको। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा ही है, तो वो किस में आता है, न्यूक्लियस में आता है, ठीक है। फिर आपका जो फोर्थ और लास्ट आज का टॉपिक है, दैट इज लाइगेजेस, ठीक है, इन मॉडिफिकेशन एंजाइम। ओके सो अब थर्ड टॉपिक इज इन मॉडिफिकेशन एंजाइम। अब बात हो गई कि भाई सब कुछ बन चुका है, अब लास्ट में भी तो कुछ कार्यक्रम बाकी है ना, तो जो इंड में जितने भी हमारे एंजाइम्स यूज होते हैं, जो भी हमारी प्रोसेसेस होती हैं जो इंड में जाकर के खत्म होने के टाइम पे यूज होती है, उसे हम इंड मॉडिफिकेशन एंजाइम कहते हैं, जिसमें आपका टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, जिसको कि हम TDT कहते हैं, क्या कहते हैं हम TDT कहते हैं, वो यूज आता है। देखिए जो हमारा टर्मिनल वाला होता है ये यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोहेसिव बॉन्ड, ठीक है, ये किसके काम आता है, जगह नहीं थी तो हमने लिखा नहीं, अगर आप चाहो तो लिख लो कि ये यूज होता है कोहेसिव बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, किसके लिए, कोहेसिव बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। और किस में बॉन्ड बनता है, तो होमोपॉलीमर टेलिंग में। ओके, अगर आप चाहो तो प्लीज आप लिख लो, हम आपको इसके आगे बता दे रहे हैं कि दिस एंजाइम इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोहेसिव बॉन्ड, ठीक है, लिखिए कि दिस टैग TDT, ठीक है, दिस TDT इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोहेसिव बॉन्ड ड्यूरिंग होमोपॉलीमर टेलिंग, ठीक है, क्या, ड्यूरिंग होमोपॉलीमर टेलिंग, ठीक है, एंड ऑफ द होमोपॉलीमर टेलिंग। फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, फॉस्फेट का कोई ना कोई काम होगा। यहाँ पर क्या होता है कि हम रिमूव कर देते हैं जो भी ये एंजाइम्स होते हैं, दीज एंजाइम जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, आगे एज लग गया है, दैट मीन्स कि इट विल डिग्रेड। ओके, तो ये क्या करता है, रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को, ठीक है, क्या करता है, देखिए स्पेलिंग लिख लीजिएगा एल्कलाइन फॉस्फेट की, गलत मत करिएगा। तो ये क्या करता है, रिमूव करता है DNA मॉलिक्यूल के 5' एंड से फॉस्फेट ग्रुप को, क्या, DNA का जो 5' एंड होता है वहां से फॉस्फेट ग्रुप को ये रिमूव कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड जो है वो है T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, क्या है, T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, ये बहुत ईजी है। इसमें देखिए ये क्या करता है ना कि ये इंड लेबलिंग का काम करता है, ठीक है, इट इज यूज फॉर द इंड लेबलिंग। ओके, तो आप चाहो तो आगे लिख लेना, ओके, यहाँ पे आप, मैं नहीं लिख पाऊंगी, बहुत नीचे हो जा रहा है, तो इंड लेबलिंग के लिए, इट इज यूज फॉर द इंड लेबलिंग ऑफ DNA मॉलिक्यूल, दिस इज रिलेटेड टू इंड, ठीक है, खत्म वाले चीजों पे सब याद करना है आपको। देन आवर फोर्थ वन इज लाइगेज, ठीक है, उसके बाद आज का वीडियो खत्म हो जाएगा। देखिए लाइगेज को हम लोग मॉलिक्यूलर बाइंडर बोलते हैं और मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, ठीक है। तो लाइगेज में क्या होता है कि जब DNA टूट रहा है, जैसे हमने आपको बताया था, तो जब हमने आपको RDT बताया था, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि वी नीड वन वेक्टर, ठीक है, डेट वेक्टर शुड बी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब प्लाज्मिड हो सकता है, कॉस्मिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेट्स अज्यूम प्लाज्मिड है, तो वी टेक प्लाज्मिड एंड वी टेक डिजायर्ड DNA जो भी हमें उस प्लाज्मिड में लगा करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसको डालना है या फिर छोड़ना है उसको, ठीक है। तो अगर हमने प्लाज्मिड लिया है तो डेट इज नन एज वैक्टर, और हम जब डिजायर्ड DNA लेते हैं तो हम पहले प्लाज्मिड को तोड़ेंगे ना, हम पहले, ये प्लाज्मिड है तो इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ से अगर हम तोड़ते हैं तो ये तोड़ने का काम हमारा मॉलिक्यूलर सीजर करता है, फिर इसी पर ला करके हम डिजायर जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक DNA होता है, मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना चाहते हैं उसको ये ला करके यहाँ पे क्या करेगा, स्टिक करेगा। तो भाई तोड़ने का काम, तो काटने का काम जो है वो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने किया है, बट जोड़ने का काम कौन करता है, ये मॉलिक्यूलर बाइंडर जिसको कि हम लाइगेज कहते हैं वो करता है, और इसी प्रोसेस को हम लाइगेशन कहते हैं, आपके टॉपिक में भी दिया हुआ है सिलेबस में, तो वो आप देख लेना, यही है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो DNA मॉलिक्यूल्स देखिए टूटे होते हैं, अब अच्छा तोड़ने का क्या मतलब हुआ, अभी हमने आपको बताया कि तोड़ने का मतलब कुछ और नहीं है, जो भी फॉस्फोडाइस्टर की बॉन्ड होती है या तो उसको तोड़ना या फिर जो भी न्यूक्लियोटाइड है उनको हटाना, यही दो काम यहां पर होता है, ठीक है।
तो होता क्या है कि जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको, जो टूटे हुए होते हैं उनको फिर से जोड़ने का काम करता है, सिंथेसाइज करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एट द एंड ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे ये रहा हमारा, मान लीजिए ये हमारे पास प्लाज्मिड है, ठीक है, मान लीजिए ये प्लाज्मिड है एंड हमने लेकर के आए हम हमारा डिजायर्ड डीएनए, तो ये भाई यहाँ पर जोड़ रहा है ना, तो जोड़ने के लिए इस एंड पे, ठीक है, दिस एंड एंड दिस एंड, तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर जो डीएनए है एंड जो यहाँ पर डीएनए है ये दोनों पीस आपस में जुड़ पाएंगे, ओनली बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसाइजिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जोड़ने का काम करता है, मतलब सॉरी फॉर्मेशन करने का काम करता है लाइगेज, और इसी प्रोसेस को हम लाइगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज लाइगेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट द डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम। या आई नो कि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी, थोड़ा ट्रिक विक बना करके याद कर लेना, ठीक है, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आए क्योंकि न्यू जुड़ा हुआ है ना और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। येस, आई कैन से कि आप अगर डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम आता है तो आप बस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को भी डिफाइन कर सकते हो, आप लाइगेज को भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा आरडीटी है उसमें बस यही जो दो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अलग से आप लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है, जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, देखिए क्लोनिंग वैक्टर इज आवर सेकेंड टॉपिक, इसके बाद सॉरी फोर्थ टॉपिक, तो क्लोनिंग वैक्टर पढ़ लेंगे, देन हम लोग जीन थेरेपी वगैरह पढ़ेंगे। ठीक, तो वीडियोस तो आने, मतलब जैसे ऑल्टरनेट डेज पे चल रही है, आपको पता होगा कि मंडे को आपके बॉटनी, देन ट्यूसडे को जूलॉजी, ऐसे करके ऑल्टरनेट डेज पे आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो आप रेगुलर 6 बजे आपको क्लासेस मिल ही जाएंगी। आपको बस अपने नोट्स बनाना है, चिल करना है और जाकर के अच्छे से पेपर दे के आना है, प्लस शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बाय बाय।